This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. AIMIM Chief Asaduddin Owaisi got angry on reporter when asked a question on conversations and churches in Andhra Pradesh. During press brief at Darussalam, he also urged people can perform or select their religion as India is a democratic country. Not made it a national issue. No? No. You have not made it. You should have ran 6 p.m., 9 p.m., rant over it. What happened? आप लोग तो टैंटा ही कर दिए उसको अरे पॉलिटिकल पार्टी हाँ सो दैट इज व्हाई यू डोंट यू आर सो नाउ यू आर डीजीपी ऑफ द आंध्र प्रदेश पुलिस नो नो क्लियरली माय डियर फ्रेंड द डीजीपी मेक्स अ स्टेटमेंट गिव्स आउट अ रिटन स्टेटमेंट ऑल्सो स्टेटिंग टू विच दीज एलेज एक्यूज विच हैव बीन अरेस्टेड To which party they belong to. You have not talked about the statement of the BJP observer in Andhra Pradesh who said that Andhra Pradesh will turn into Christianity. Secondly, you have not talked about a chief minister, Mr. Chandra Babu, ex-chief minister, who happened to be chief minister for 14 years. He made that obnoxious statement. If tomorrow someone changes religion, does he lose his India citizenship? Please tell me. Changing of religion, constitution guarantees you that. If I or you change your religion, are you not an Indian? Please tell me. How can Chandra Babu Naidu make that statement? How can that BJP observer make that statement? But at the same time, they are also cheating the government, right, sir? Not showing themselves, you know, for Christians. And also, who are you to ask me what I do in my house? Have you read the privacy judgment? What I do inside my house, what I do is part of my privacy, is now a fundamental right. It is not cheating. I'm sorry, sir, it is not cheating. What I do with my life, whether I go to a church, whether I don't go to a masjid, whether I go to a temple, that is your individual choice. And that is how we celebrate a democracy. People go to church, people go to temples, people go to masjid. People don't go to all these places. That is what makes our Indian democracy work. लेकिन किसी को लालच देके तो नहीं बनाया जा सकता ना एक गांव में पूरे गांव में 3 क्रिश्चियन और 11 चर्च ये कैसे बहुत मुमकिन है जो SC/ST है वो क्रिश्चियन आप कौन होते हैं भाई नहीं नहीं आप कौन होते हैं आप ठेका ले सुनिए एक बात सुनिए 3 होंगे 100 बनेंगे आप अगर यही पलटा के दूसरे मजहब के बारे में बोले तो आप लोग चला जाते ना 9 बजे चला जाते आप लोग देखिए देश को खतरा हो गया अरे आपको तकलीफ क्या हो रही भाई अगर देखिए अगर कोई मजहब चेंज करता है अपना तो क्या भारत की सिटीजनशिप लूज करता है वो लालच देके नहीं कराया अरे भाई लालच दे तो कंप्लेन कराइए ना कंप्लेन कराइए बिल्कुल सही है लालच देकर अगर कोई मजहब चेंज करा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक नहीं कई आप केस बुक कराइए 420 का मगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप बोले जा रहे हैं अब किसी को अगर आप मजहब चेंज करना है तो यूपी में कानून बना दिए बीजेपी रूल स्टेट्स में थे 1 महीने की नोटिस देना कलेक्टर को कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे अरे नौकरी दो यार गरीब को किसान मर रहा है तुमको मैं मेरा मजहब चेंज करूं ना करूं तुमको क्या करना है उसमें तुम हर चीज में अपना क्यों डालते हो अपना चेहरा उसमें आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं राइट टू लाइफ है मेरे को मेरी लाइफ है मैं जो चाहे कर लूं आपको क्या मर्जी है मैं मजहब चेंज करूं ना करूं भगवान को मारूं अल्लाह को मानूं किसको मानता है नहीं मानूं इंटेंशनली डेमोग्राफिक कंडीशंस को आप क्या डेमोग्राफिक कौन सी डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हो रही है बताइए आप देखिए आप लोग सुनिए ये जो आप लैंग्वेज बात कर रहे हैं ना ये संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर आप बजा रहे हैं संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर सुनिए संघ परिवार अरे मैं आपको बता रहे अरे सुनिए ना धर्मांतरण इशू है हाँ सुनिए संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर क्या है कि धर्मांतरण हो रहा है और एक वक्त आएगा कि भारत में मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी हो जाएगी मेरे भाई साहब सुनिए आज आप ये सवाल क्यों नहीं करते हमसे कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करे बोलते थे ना सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार जाकर कहती है कि फर्टिलिटी रेट गिर रहा है भारत का और इसीलिए हम 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते
बताइए अब आप बोलिए, अब बोलिए ना, इसके ऊपर पूरे मुंह बंद है पूरों के, कोई संघी नहीं बोल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, रिटर्न एप्लीकेशन दिए हैं कि भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, टू चाइल्ड नॉर्म वो जो कानून नहीं बना सकते। अब मेरे से पूछ के बनाए है, अब बताइए आप। अरे भाई दलाल जब बात करते हैं ना तो इनके पास आवाज ही नहीं रहती कुछ। धर्मांतरण हो रहा है, पैसों से बराबर करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। एक केस हुआ एक इंडिया के स्टेट में, बोले पैसे का, अरे वो कर्जा देना था, कोर्ट ने कह दिया वो बात, वो तो कर्जा देना था इसलिए उस पर इल्जाम लगा दिया। क्या क्लेम करेंगे आप? क्रिश्चियन बोल के क्लेम भी नहीं कर रहे, बीसीडी या फिर बीसीसी में आएगा ना, एससी बोल के क्लियरली क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई साहब उन्हें क्या मजहब चल रहा है, आपको क्या फिक्र है उसकी? नहीं सर, आप प्रूफ कर, नहीं नहीं, अगर आपने आपने टाइम्स नाउ का एक्सक्लूसिव स्कूप है, आप दला दो ना टीवी पे। सर मैं तो चलाया सर 95 करोड़ तो यूएसए टू एनजीओ से। नहीं नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे आप? नहीं सर आप, नहीं नहीं नहीं, आप अभी क्या बात कर रहे, 95 करोड़ की नहीं बात कर रहे आप, आप क्या बात कर रहे रिलीजन चेंज हो, आप प्रूफ कर दो ना भाई, आप प्रूफ कर दो, बताओ कि देखो ऐसा कर रहे आप। सीबीसीआई खुद बोल रहे सर क्या 95 करोड़? अरे अरे भाई गौतम स्वामी भी बोले, मान लो उसको ही मान लो ना, डीजीपी आंध्र प्रदेश बोले उसको ही मानो आप। अरे गुंडन पर सब जाके स्टोरी करके आया सर, जो पहाड़ के ऊपर क्रिश्चियन क्रॉस बना है तो क्या बनाए, क्रिश्चियन का जो क्रॉस बना है ना, हाँ गुंटूर में, अच्छा सुनील देवरा ट्यूब में जाके आया, दो दिन, हाँ क्या हुआ उसमें? उसमें वो जो बनाया स्ट्रक्चर लीगल है, परमिशन नहीं है, अच्छा ठीक है, वो तो म्युनिसिपल इशू है, वो परमिशन का इशू है, परमिशन का इशू है ना, परमिशन का इशू है ना खाली, ठीक है, हाँ ठीक है, खैर बिल्कुल होता है वो, आप कोई भी लॉ वायलेट करेंगे तो मगर उसको आप वो रंग क्यों दे रहे भाई? सर तो क्या आप अपने मित्र से ये डिमांड नहीं करेंगे कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह के इश्यूज जनरेट हो रहे हैं ये? मैं अभी मिलाकर बोलूंगा कि तिवारी साहब ने ऐसा कहा है और आप ज्ञान दे रहे हैं, आपको मेरे जरिए से सुन लीजिए, मैं कहूंगा अभी बोलता हूँ। आप क्या ये डिमांड नहीं करेंगे कि ये जो है इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसको हम के लिए कोई मैं तो सिर्फ वाईएसआरसीपी रूलिंग पार्टी को इतना ही कहूंगा कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी आंध्र प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट को बनाने की। चंद्रबाबू नायडू को मैं तो एडवाइस नहीं कर सकता, वो तो आइंस्टाइन है माशाल्लाह से, मगर उनकी पार्टी को बीजेपी पूरा खत्म कर देगी, वो वैक्यूम बीजेपी बैठेगी, तो ये उनको भी सोचना है। बीजेपी खामोश नहीं बैठने वाली है। अगर कोई भी लीडर ये समझ रहा है कि मैं बीजेपी को समझा लूंगा, बीजेपी को रोक लूंगा, ये नहीं होने वाला है। ये बीजेपी आप पे अटैक करेगी, हर तरह से अटैक करेगी और पावर हासिल करेगी। तो ये लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम खाली उनको कॉशन कर सकते, वो तो साहेब, जैसे उर्दू में बोलते हैं साहेब समझ हैं, अकलमंद हैं, दानिश्वर हैं, वो सब समझ जाएंगे, मगर ये समझना चाहिए उनको। आप भी मानते हैं चंद्रबाबू नायडू बीजेपी तो फर्स्ट वेक्टर है आंध्र प्रदेश, हाँ बीजेपी ये जो सब तमाशे हो रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं बीजेपी, फिर क्यों कर रही है सब ये स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, यही तो इनका मोडस ऑपरेंडी है ना। अगर वहां के पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर है वो भी समझे इस बात को, वो मेरे को एक्सेप्ट करे, बोले यस आप सही कह रहे हैं। आप देखो तिरुपति का भी पार्लियामेंट इलेक्शन तो नहीं हुआ इसके साथ, जब होगा आप देखो। और इन मामलों की जांच भी होनी चाहिए सर, कौन से मामलों की लग रहे हैं, कोई कमीशन बना के इस तरह का, कौन से एलिगेशन कि ये कन्वर्शन हो रहा है और प्रोसेस को जो वो क्या वाकई में लालच देके हो रहे हैं या सही हो रहे हैं अपनी इच्छा से हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप लोग एक स्कूप कर दीजिए ना, खत्म हुआ था उसको पीआईएल में कन्वर्ट कर देंगे कोर्ट में। गवर्नमेंट आप एक स्कूप कर दीजिए कि भाई इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। देखिए अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहा है तो वो भारत का सिटीजन रहता है,
अगर कोई ये कह रहा है कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता तो भी भारत का सिटीजन रहता, ये तो परेशान होने की बात क्या है इसमें? क्या परेशान होने की बात क्या है? संविधान में तो है ना इजाजत कन्वर्जन की, संविधान में है इजाजत, संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बना, इसलिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया था नागपुर में, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर किए थे नहीं किए थे, किए थे कितने लोगों के साथ किए थे, 100-200 ने, हजारों के साथ बाबा साहब किए थे, अब उस पर क्या बोलेंगे आप? ये तो शुक्र है कि बाबा साहब उस वक्त कर लिए, अगर आज बाबा साहब करते तो ये लोग क्या करते नहीं मालूम उनके ऊपर, बाबा साहब किए थे नहीं किए थे, अब क्या बोलेंगे बाबा साहब करने को आप? सर आर्टिकल 25 इजाजत देता है आपको अपने धर्म के पालन करने की, आप उसको मानिए, और कन्वर्जन की इजाजत नहीं देता। 26 प्रचार की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार, तो कल्चर है यार, लेकिन किसी को लालच देके, हाँ लाला, डेमोग्राफिक ना कोई लालच अगर दे रहा है तो 420 का केस बुक कराइए। डेमोग्राफी क्या चेंज होगी मेरे भाई, आप लोग कैसा डेमोग्राफी चेंज होंगी, कहाँ डेमोग्राफी चेंज होगी, अरे कौन डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, कैसा डेमोग्राफी चेंज होगी बताइए आप? आप ये समझ रहे हैं आप इतना इनसिक्योर क्यों फील हो रहे तिवारी जी आप? यार आप तो जन्योधार हो यार, आप क्यों आप इतना इनसिक्योर नहीं फील होना चाहिए आपको यार। ओके चलो चाय लो। ये भाई बोल, इसका डालो, बंद कर दो बेटा।